सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोटोरोला की तरफ से दो स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है। उन दोनों स्मार्टफोन का नाम है मोटोरोला एज और एज प्लस। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोटोरोला ने तमाम लीक्स के बाद आखिरकार एज और एज प्लस स्मार्टफोन को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। यूज़र्स को दोनों स्मार्टफोन में 3 कैमरे, HD डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर और बैटरी का सपोर्ट मिला है। इसके अलावा कंपनी ने इस स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक मोटोरोला एज और एज प्लस को इंडिया में लॉन्चिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मोटोरोला एज और एज प्लस के प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इनकी प्राइस का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस स्मार्टफोन को 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में प्राइसिंग रखी जाएगी। इसके अलावा यह स्मार्टफोन सोलर ब्लैक और मिडनाइट मैजेंटा कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला एज प्लस की प्राइस करीब 76,400 इंडियन रुपीस के आसपास होगी। इस स्मार्टफोन की बिक्री 14 मई से स्टार्ट हो जाएगी। मोटोरोला एज के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन में 6.6 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ज है। साथ ही इस स्मार्टफोन में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है और इसमें दमदार प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 दिया गया है। वहीं यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 बेस्ड है। कैमरे फीचर्स की बात करें तो वहीं यूज़र्स को मोटोरोला एज में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इसके अलावा इस फ़ोन में फ्रंट पर 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। मोटोरोला एज के कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इसमें 5G का सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई, GPS, USB टाइप सी जैसे पोर्ट्स दिए गए हैं और इसकी बैटरी 4500 mAh की दी गई है, जो कि 18W टर्बो पावर चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं मोटोरोला एज प्लस के फीचर्स की, तो इसमें भी सेम 6.7 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले दी गई है। रिफ्रेश रेट भी इसका सेम है। साथ ही इस स्मार्टफोन में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज दिया गया है और इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 दिया गया है। यह स्मार्टफोन भी एंड्रॉयड 10 बेस्ड है और इसमें प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है और 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। सेल्फी कैमरा दोनों ही स्मार्टफोन में सेम रखा गया है, 25 मेगापिक्सल का। कनेक्टिविटी फीचर्स में सेम कनेक्टिविटी फीचर्स हैं मोटोरोला एज की तरह। बैटरी को इनक्रीज़ कर दिया गया है एज प्लस में। इसमें बैटरी 5000 mAh की दी गई है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग फीचर से लेस है। तो ये दोनों स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च हो गए हैं मोटोरोला के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।